सजिटेरियस हो? हाँ? 3 दिसंबर तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, मैं एरिज हूँ। अच्छा मुझे पता था हम दोनों की अच्छी बनेगी। टाइम ऑफ बर्थ क्या है? इवनिंग का था शायद। पता था मुझे। क्या पता था तुझे? इस बात से क्या अंदाजा लगाया है? इवनिंग में पैदा होने वाले लोग बहुत रिबीलियस होते हैं, अच्छा, बागी टाइप के, किसी की ना मानने वाले, चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले लीडर। आप तो फिर यकीनन इवनिंग में ही पैदा हुए होगे। मॉर्निंग। मॉर्निंग? होए होए, तो ये मॉर्निंग वाले कैसे होते हैं? रोमांटिक। रोमांटिक? दसो तो बताओ, हो तुम रोमांटिक? रोमांस वाले मेरे ऐसे के सारे जीन्स मेरी मामा बाबा ने ले लिया है। आई एग्री। हाँ जी, कुछ कहना था? हाँ, वो कहीं जा रही हो? यूनिवर्सिटी जा रही हूँ। अच्छा, यूनिवर्सिटी? 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 ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੋ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ। ਉਹ ਨਾ ਪੁੱਤਰ, ਪਿੱਛੇ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਤੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸਾਲਮ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਬੱਚੀ ਕੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਸੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪ ਆਗੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਪੁੱਤਰ ਚਲਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਹਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਪੇ ਆਪਨੇ ਉਤਰ ਜਾਣਾ, ਜਬ ਮੈਨੇ ਸਿਗਨਲ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਣਾ ਆਪਨੇ ਵਾਪਸ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਕਾਕਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਹੂੰ। ਇਸ ਉਮਰ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਉਠਕ ਬੈਠਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਅੱਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਫਰੀਨ ਕੋ ਆਗੇ ਬਿਠਾ ਲੂੰ। अब बिठा लो, अगर रास्ते में गिर गई तो मैंने दूसरी नहीं करा के देनी। अब्बा जी आप फिक्र ना करें, हम पीछे पूरे आ जाएंगे। हाँ, और वैसे भी राजू को तो हमने लेके नहीं जाना, इसका क्या काम है? हाँ क्यों? अरे रे, राजू ने किस लिए जान? बिना तर जाए। ये क्या कह दिया खान साहब, ये क्या कह दिया आपने? तेरे हो गया ड्रामा। ओ बेटा, तुमने किस लिए जा रहा है? अब वो कहने जाएंगे। खान साहब, मैं आज तक आपको छोड़ के अकेला कभी कहीं नहीं गया। अच्छा, और आप जब जब मुझे छोड़ के अकेले गए हैं ना, सालिम कभी वापस नहीं आए, कोई ना कोई चीज तुड़वा के आए हैं अपनी। ओ तेनू मौला लवे, ना मुरादा मेरा शगिर्द बन, बच्चों की नवी अम्मी ना बन। शोखा आओ जी, पुत्र जी आओ। चले कहाँ? अजायब घर, ऐसे नमूने उधर ही पड़े होते हैं। तुमने यूनिवर्सिटी जाना है ना? हाँ तो जा रही हूँ। हाँ तो पुत्र, अब तुम्हें छोड़ने जा रहे हैं क्या आप सब? क्यों पुत्र, तुम्हारे लिए नया शहर है। नहीं नहीं नहीं, आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं यूनिवर्सिटी चली जाऊंगी। अब मेन रोड से लेफ्ट ही तो होना है। हाँ पुत्र, उधर कहीं उल्टे सीधे रास्ते में ना पड़ जाना। बेटा नया इलाका है, तुम्हें रास्तों का नहीं पता। नहीं देखिए, इसकी जरूरत नहीं है, आप लोग कोई हरकत करने की जरूरत थोड़ी है। मैं खुद जाऊंगी, और अब यूनिवर्सिटी जाना है ना, स्कूल में दाखिला तो नहीं करवाना। है, अब तो हम सारे तैयार हो गए हैं। तो मैं क्या करूं? आप लोग सब कहीं और चले जाए ना, ये यूनिवर्सिटी क्यों जाना चाहते हैं? हाँ पुत्र, तो फिर किसी दिन चले जाना, इस वक्त हाँ। जाओ। हाँ लेकिन मैं तो चल रहा हूँ ना। वो नहीं हो तो मुझे भी नहीं जाना। चलो पुत्र, स्लीप रक्षा स्टार्ट कर बेटा। अब्बा जी सवारियाँ तो फाइनल कर ले। ओयो भाई, अब फाइनल पुत्र सवारियाँ, बस मैं और तुम जा रहे हो, मेरे बेटे चले। देखिए प्लीज नाना मियाँ, मेरी बात को समझें, मैं यूनिवर्सिटी जाऊंगी, आप सब साथ जाएंगे तो बुरा लगेगा ना। ओए नाना, सदके जाए पुत्र, हमारे घर में कोई पहली दफा यूनिवर्सिटी जा रहा है। तो आप चाहते हैं कि वो भी ना जाए? अल्लाह खैर करे पुत्र, क्या बातें कर रही हो, क्यों ना जाए, हम खुद छोड़ के आएंगे। वो अब्बा जी, मैं ना सोच रही थी कि वापस पे बाजार का चक्कर भी लगा लेती हूँ। पुत्र बाजार कहीं शिफ्ट नहीं हो जाने,
फिर किसी दिन चले जाना, इस वक्त रक्षे में जगह नहीं है। जगह तो दिल में होनी चाहिए बाजी, लोग 10-10 बंदे बिठा लेते हैं रिक्शे पे, आपसे 3 सवारियां नहीं बिठाई जा रही। तो फिर दिल स्टार्ट कर लो, रक्षा रहने दो। नहीं तो ठीक है, आई थिंक आप लोग सब यूनिवर्सिटी जाएं, मैं घर पे ठीक हूँ। पुत्र जी, भाई पता चला आप सब जामिया जा रहे हैं, सोचा मैं भी चक्कर लगा लेता हूँ शोभा उर्दू का, पता नहीं आज की नस्ल की शोरा से मुलाकात है कि नहीं। आओ पुत्र जी चल। तुम्हें दीवान उठा के ले आऊं? ये रक्षे में आ जाएगा। दीवान है मेरा, सोफा तो नहीं। आपका ये प्यार कहीं धोखा तो नहीं? अरे वाह, ये तो शेर हो गया। भाई 2 मिनट अगर बैठ जाए तो मैं गजल मुकम्मल कर लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं। आओ बेटा जी चलिए। मैं भी आया हूँ ना। नहीं क्या कर रहे हो? कोई नहीं जाएगा पुत्र, मैं अकेला छोड़ के आऊंगा बच्ची को। हाँ बेट, पुत्र तुम किधर? हाँ साहब, मुझे नहीं पता, मैंने भी साथ जाना है, मैंने यूनिवर्सिटी कभी नहीं देखी। मैं क्या तुम यूनिवर्सिटी ना देखो, तुम कोई अस्पताल देखो। अब्बा जी मखी पे पुत्र जी। खान साहब माई मिंगी टाइम बेटा, अपना खून जगह होगा वो लेगा। हा, हा, हा। चलो मेरा पुत्र जल्दी से निकल चलो। खान साहब यहाँ जो पढ़ाइयाँ हो रही हैं आपकी समझ में आ रही हैं? पुत्र नई नस्ल है, नया दौर है, क्या कह सकते। सुने आप लोग चले जाए ना घर, बस आ गई यूनिवर्सिटी और कितना होगी। नहीं नहीं, अच्छी तरह देख तो लें यूनिवर्सिटी, पढ़ाइयाँ वगैरह वगैरह। मुझे पता होता इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है ना तो रक्षा आगे ले आता। गोदे रह गए। सुने बस हो गया ना, अब आप लोग यहाँ से जाएं, आगे तक ही तो जाना है, मैंने चली जाऊंगी मैं। हाँ ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कर जाके खान साहब के गोडों की मालिश कर दूंगा। मालिश से याद आया, वो रास्ते में ना नींबू तेली से ना खालिश तेल लेते हुए जाना है, मुक गया घर। नींबू तेली तो पागल बच्चे वो देख। गोडों की मालिश करेगा तो मेरी टांगे भी दबा दी। राजू मैं नहीं चलता ना इतना यार। खान साहब कुछ खा ना लें। पुत्र किसी से गालियां ना खा लेना। खान साहब मुझे पता होता ना कि यूनिवर्सिटी में ऐसी पढ़ाइयां होती हैं, मैं स्कूल से कभी ना भागता। अब तो मेरा भी दिल करना शुरू हो गया पढ़ने को। फर्श गीला है। हेलो। हेलो यार कहाँ हो? जहन्नुम। तुझे तो कहा था तू यूनिवर्सिटी जा रही है। यूनिवर्सिटी ही हूँ यार। तो फिर क्या हो गया? अलीना मैं यूनिवर्सिटी के लिए निकल रही थी और ये सब मेरे घर वाले मुझे छोड़ने आ गए मेरे साथ। क्या तेरे साथ यूनिवर्सिटी आ गए? हाँ, और सिर्फ जी हाँ, आंखें फाड़ फाड़ के सबको देख रहे। इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही है यार, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। तो आए क्यों हैं?
मैं छोटा चूहा हूँ ना, कहीं गुम ना जाऊं, तो मेरा ख्याल भी तो रखना ना, इसलिए आए साथ। तो यार कोई एक आधा बंदा आ जाता, सारे ही आ गए हैं। पता नहीं यार, मुझे लग रहा है कि मैं इन सबके साथ पागल हो जाऊंगी, या इन सबकी वजह से पागल हो जाऊंगी। जैसे भी है, पागल मैं हो जाऊंगी। और अभी मुझे डीन से मिलना है, मैं इनके साथ डीन से कैसे मिलूं? यार तू ना इनको घर भेज दे, या इनको किसी कैफे वगैरह में बिठा दे। ओ भाई कहीं नहीं जा रहे, मेरे सर पे सवार है साए की तरह। ऊपर से यूनिवर्सिटी आके ऐसे एक्साइटेड हो रहे हैं जैसे पता नहीं चांद पे पहुंच गए ये लोग। हाँ साहब, ये जो डीन होता है ये हेडमास्टर से बड़ा होता है। अच्छा तो फिर डीन में और प्रिंसिपल में क्या फर्क होता है? पता नहीं। ये जो डीन होता है ये कितनी एक जमातें करके डीन होता है? पता नहीं। अच्छा ये तो बता दें कि टोटल जमातें कितनी होती हैं फिर? और पता नहीं। असली तुझे पता है टोटल जमातें कितनी होती हैं? कितनी? अच्छा 5। एक पांव रख के ऊपर बैठ रहा है चेयर्स पे, एक टोपी लगा के ऑरेंज कलर की घूम रहा है। मुझे लग रहा है मैं एलियंस के साथ घूम रही यूनिवर्सिटी में। यार यार ये तो बहुत ही बैड सीन है। ओ भाई रोज का तमाशा है, तू भी बोर हो गई होगी ना मेरी बकवास से। ओहो नहीं नहीं, जिस बात के लिए तुझे फोन किया था वो तो तुझसे की नहीं, मैं इधर ही आई हुई हूँ लाहौर। तू लाहौर आई हुई? कब आई, बताया नहीं तूने? यार कल रात को ही पहुंचे हैं और आज शाम को वापसी है। लो आज शाम वापसी भी है, इसीलिए मैंने तुझे कहना था कि शाम से पहले पहले मेरे से मिल ले। ओ भाई बिल्कुल मिलना है, तू मुझे बता किस वक्त कहाँ किधर मैं पहुँच जाऊंगी। फिलहाल तो मैं खाला की तरफ जा रही हूँ, फ्री होके मैं तुझे बताती हूँ, तब तू भी अपने कामों से फ्री हो जा। हाँ मैं फारिग हो जाऊंगी, तू बता देना यार, आई मिस यू मैन। चल सी यू। चल बाय। हिना जी, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आप यहाँ ना होती तो ख्याल कैसे आते, ये मजामी कहाँ से उतरते, ये शायरी, ये सिलसिला, ये कलाम, ये क्यों कर जारी रहता? मिर्ज़ा ये तो बचपन से ही ऐसा है या बड़े होके कोई हादसा पेश आया था? शायर तो माँ के पेट से शायर होता है। अच्छा यानी कि तूने पैदा होते ही दाई को आदाब किया था? आपकी यही बर्जस्तगी तो हमें कहीं जाने नहीं देती, इसी बात पर अर्ज किया है। तेरा दिल है मैं नीचे चली जाऊं? कतन नहीं, आज तो खुशी का दिन है, तमाम रकीब और सयाद घर पर नहीं। वैसे ये ज्यादती किया तेरे साथ, तुझे यहाँ अकेला ही छोड़ के चले गए। हम खुद ही नहीं गए, दरअसल फिर तुलबा रोक लेते हैं, कलाम सुनने की फरमाइश करते हैं, उठने ही नहीं देते हैं। चील कफों को सुना अपना कलाम, मैं तो जा रही हूँ। कुछ देर रुक जाए। क्यों फिर आखिरी वक्त आ गया? आए, आए। आपका जाना गोया वक्त नजा हो गया, आपका होना मेरा नशा हो गया। अरे वाह ये तो शेर हो गया। चलती हूँ। फिर कब जलवागर होंगी? मशीन के फेरे को 45 मिनट तो लगते ही हैं। हाय आज का दिन गुजर न जाए कहीं। मैं तुझे बता रहा हूँ इसकी आवाज सही नहीं है, तू रक्षा ठीक करवा अपना। ओ नहीं करता आवाज, तुझे लग रहा है कि करता है? ऐसे थोड़ी लग रहा है, पहले इसकी आवाज ऐसी थी नहीं। यार रक्षा मेरा है कि तेरा, चलाता मैं हूँ कि तू, मुझे पता होगा ये तुझे। वही तो, तू चलाता तो है नहीं, घर खड़ा रहता है, इसलिए तुझे आवाज भूल गई। देख जो रक्षा ठीक होता है ना उसकी आवाज होती है ब्रुण, 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 ब्रुण। ये देख मिसिंग कर रहे है ना, जो सही रक्षा होता है ना उसकी सीधी आवाज होती है। अमीर खान साहब,
व्हाट अ प्लेयर सर, व्हाट अ प्लेयर। मैंने आपको पहचान लिया। अल्लाह अल्लाह। खान साहब आप यकीन नहीं करेंगे, आपको देखकर कितनी खुशी हो रही है। आज बरसों बाद आपको देखकर अपनी स्टूडेंट लाइफ याद आ गई। ओपन एयर थिएटर में आप परफॉर्म किया करते थे और हम सब दोस्त मिलकर आपको देखने के लिए जाते थे। हम तो आपके फैन थे खान साहब। वाह वाह खान साहब, उस दौर में आपकी जुबते हमें जुबानी याद हुआ करती थी। क्या अच्छा वक्त था। हाँ, बस फिर प्रैक्टिकल लाइफ शुरू हो गई। जाहिर है जिंदगी के अपने मसले शुरू हो गए। हाल जीरा जरा आ रहा है, मसाइल से कुर्सी भरी हुई है। अरे खान साहब, हम भी आज भी सब दोस्त इकट्ठे होते हैं ना कोई आपकी जुगत बोल ही देता है। अरे माशाल्लाह, आप तो अकेले भी बैठे हुए तो लगता है दोस्त इकट्ठे हुए हुए। हाँ साहब, आजकल भी परफॉर्म कर रहे हैं आप? अरे यार, बड़ी देर हो गई है, छोड़ दिया हुआ है आप तो, घर पे ही बैठा होता हूँ। ऐसी बात करते हैं, आप जैसे फनकार को परफॉर्म करना चाहिए। आप जैसे लोग इस मुल्क का एसेट है और आप अगर घर में छुपे बैठे। तो छुप रहा क्या है जी, मेरी कौन सी ऑडियो लीक हो गई है। बस अब बच्चे काम कर रहे हैं जी। ये मेरी नवासी है जी। हाँ, ये आपकी यूनिवर्सिटी में। अच्छा 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 अच्छा, खान साहब आपकी निवासी है तो हमारी बच्ची हुई ना। तुम्हारे चाचू है बेटे। बिल्कुल बिल्कुल खान साहब, ये यूनिवर्सिटी आपकी है। बड़ी मेहरबानी, निकलो बाहर फिर। खान साहब, बस आपने फिक्र नहीं करनी, इस बच्ची को कोई प्रॉब्लम या नहीं हो। खैर खैर, अल्लाह खैर करे। ऐसी बात कर रहे हैं खान साहब, शर्मिंदा कर रहे हैं आप। हमने तो हंसना ही आपसे सीखा है, आपने तो हमारा बचपन और जवानी यादगार बना दिया। हमने तो जब आंख खोली आपको हंसाते हुए ही देखा है। पहला ड्रामा छिले में देखा था इन्होंने। खान साहब, वैसे आपको पता नहीं याद होगा कि याद नहीं होगा, आपने मेरे नाना जी के गांव में परफॉर्म किया हुआ है, वो रजब शाह के मेले पर। ओ रजब शाह जी, ओ वो आपके नाना, ओ सुन के जाओ, ओ ओ ओ वाह 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 वाह, उधर तो मैं हर साल जाता था जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, क्या कह ले क्या कह ले, ऐसे सरकार वो। ओ एक दफा मुझे याद है, मैं उधर फंक्शन करने के लिए गया गाँव इनके नाना के, तो रास्ते में डाकुओं ने मेरे रोक लिया। अच्छा, बंदूक निकाल ली उसने, वो इधर रख दी बंदूक, कहता निकाल दो जो कुछ भी है। मैंने कहा दांत में बोटी फंसी हुई है वो निकाल दू। अच्छा बेटा, ये आपने साइन कर देने और जमा करवा दीजिएगा, और फिक्र नहीं करनी, आपको यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आपने हमारी शिकायत कर दी तो आपके नाना जी ने हमें झुकते मार मार के मार देना है। क्या कर रहे क्या कर रहे। खास वैसे आप फनकार कमाल थे, बिना स्क्रिप्ट के ही बात पे बात बनाते चले जाते थे। मुझे याद है, आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं, कि आपने एक दफा पुलिस वाले की बंदूक पे जुगते लगानी शुरू की थी। ऐसी ऐसी जुगत, ऐसी ऐसी जुगत, मुझे ऐसे लगे जैसे ये बंदूक नहीं कोई फप्पे कुंडली औरत है। वो बंदूकें बड़ी होती थी ना जी, वो पुरानी पुलिस वालों के पास, भारी पुलिस के पास बड़ी पुरानी बंदूकें होती है। वो पहले कहा ये बंदूक जो है इतनी बुजुर्ग बंदूक है,
इसमें से गोली चलाने लगे तो वो खुद कह देती है ना उधर मेरी पसली में दर्द है। वाह 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 वाह। वो मैंने कहा इतनी बूढ़ी बंदूक, इसकी गोली चले तो ठाक ही बाद नहीं आती, बाद आती है, हाय मैं मर गई। यही बात। मैंने कहा ऐसी बूढ़ी बंदूक है ये, इसमें से अब गोली नहीं निकलती, जब भी निकलता है कोई ना कोई दांत निकल जाता है। वाह खान साहब, आपको अभी तक याद है सारा कुछ? देखिए मुझे भी याद है। हाँ साहब, डीन तो आपको इतना बड़ा फैन निकला। हाँ। सॉरी झुकते ही आती हूँ उसको आपके ड्रामों की। क्या कह ले, अल्लाह अकबर। अब्बा जी आज जिंदगी में पहली बार ना आपकी वजह से मेरा सर जो है फखर से बुलंद हो गया। तो बेटे इससे पहले जिंदगी शर्मिंदा गुजार रहे थे। नाना मियाँ, वो मुझे जाना है एक दोस्त के पास, तो आप लोग भी अब जाएं। कहाँ जाना है? एक दोस्त है वो इस्लामाबाद से आई हुई है, उससे मिलने जाना है। और थैंक यू इसलिए क्योंकि आपकी वजह से काम जल्दी हो गया। शाबाश है, अपने लाले को थैंक यू कह रही है, पागल ना हो। तो हम छोड़ देते हैं ना, बताओ किधर जाना है। नहीं नहीं, उसके घर नहीं जाना जो आप लोग छोड़ेंगे, बस यहाँ पास में कैफे है उस पर जाऊँगी। हाँ तो जहाँ भी जाना है हम छोड़ देते हैं, सलीम की बात करा दो, वो एड्रेस बता देगी। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ कि हर जगह साथ लेके जाऊँ आप लोग को। तुम्हारे लिए तो बच्ची ही हो ना। बेटे बात सुनो ना, किसी और को क्यों किराया दोगी रक्षे का, हम है ना, हम छोड़ देंगे, आ जाओ चलो। हाँ हाँ चलो। हाँ साहब, दीन वैसे बंदा अच्छा है। क्या कह ले जी, इतना ज्यादा दीन कम और घी का टीन ज्यादा लग रहा था। इतना मोटा बंदा बैठ बैठ के लकड़ की कुर्सी भी खुली कर देता है। अब्बा जी, जब ये आपके ड्रामे देखने आते थे तब भी इतने वजनी होते थे? मुझे क्या पता है उस वक्त कौन सा तोल के टिकट देते, इतना ही होगा। मैं जा रही हूँ अंदर, बस आप लोग घर जाएं अब। आप उतरे, जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा ना तो फिर अपने बाबे को फोन कर देना, अब तुम्हें ले भी आ जाएंगे। मुझे अंदर बहुत वक्त लगेगा नाना मियाँ, मैं नहीं फोन कर सकती किसी को। हाँ तो खैर है, हमारे पास तो वक्त ही वक्त है। आप उतरे, वो तुम मामे को फोन कर देना ना। खान साहब, जगह बहुत अच्छी लग रही है, एक चक्कर ना लगाएं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ओए आराम करो,
भाई का तुम्हें साथ नहीं लेके आऊंगा। इसको साथ लेके ही नहीं जाते, यहीं छोड़ देते हैं बाजी। आप लोगों ने जो करना है करें, बस मैं अंदर जा रही हूँ, मेरे पीछे कोई ना है। खुदा फसाना भैया। खुदा खान साहब, मैं छोड़ के आ जाता हूँ। आराम करो, ये खुद चली जाएगी। अल्लाह अल्लाह, जा ना, जा छोड़ के आ जा। थोड़ा और लेट आ जाना था। मैंने तुझे कहा भी था, मैंने शाम को वापस जाना, टाइम पर आई। तुझे नहीं पता मैं किस झमेले से निकल के आई हूँ। तुझे नहीं पता मैं किस झमेले से निकल के आई हूँ। तू अपनी सुना ले, मेरी ना सुनियो कभी। अच्छा लेट क्यों हुई हो? लीना, मैं रक्षे में आई हूँ और पूरा खानदान मुझे छोड़ने आया था, पूरा खानदान। इधर भी तुझे ड्रॉप करने गए थे? जी, मैं जहाँ जाती हूँ लोग पीछे पीछे आ जाते, और सवाल सवाल वो सर जहीर वाले उर्दू के सवाल करते, इतने सवाल हैं इनके यार। मैं तुझे क्या कहूँ यार, मेरी खुद बस हो गई है शादी के बाद। तो आपकी तो बस होने की वजह है ना, आपने तो शादी करनी थी, मेरी क्या वजह है, मैं क्यों उनके साथ हूँ? तू इन्हें समझाती क्यों नहीं है? अलीना, उस घर में डायलॉग और कॉन्वर्सेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं जहाँ जाती हूँ ना पीछे पीछे, मैं बाथरूम जाऊँ पीछे पीछे, मैं किचन जाऊँ पीछे पीछे, और प्राइवेसी का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है वहाँ। मतलब वो नॉर्मल नहीं है, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, वो लोग नॉर्मल नहीं है। तो यार आंटी तो इनसे बहुत मुख्तलिफ थी। एग्जैक्टली, यही तो मैं सोचती हूँ कि वो इसलिए उस घर में नहीं रह पाए। और मुझे तप चढ़ती है कि जहाँ खुद नहीं रह सकी वहाँ मुझे क्यों छोड़ गई हैं। यार मेरे से तो खुद ससुराल में नहीं रहा जा रहा। ये ले, फोन आना शुरू हो गया। तुझे पता है मैं कितनी मुश्किल से यहाँ पर आई हूँ? वो पूरा टब्बर आ रहा था मुझे यहाँ ड्रॉप करने के लिए, जब मैंने उनको कहा कि मैं दोस्त से मिलने जा रही हूँ। फिर मैंने बताया कि तेरे से मिलने जा रही हूँ, तो उन्होंने कहा अच्छा अकेले चले जाओ। माशाल्लाह सर, वैसे आपका बहुत ही कोई अच्छा इंप्रेशन है उनके सामने। हाँ साहब, बहुत अच्छे खाने की खुशबू आ रही है अंदर से। आपको भूख लग रही होगी ना? अरे खास नहीं, अब थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत नहीं, ज़्यादा लग रही होगी, इस उम्र में ना पता नहीं लगता। पुत्र, मेरा बेटा मेरे पेट में है, तुम्हारे पेट में नहीं है। सलीम, तूने नाश्ता किया है? हाँ किया था। कल या आज? कल भी किया था, आज भी किया है। हाँ लेकिन आज ठीक से नहीं किया होगा ना, तुझे भी भूख लग रही होगी। नहीं किया, इतनी कोई भूख नहीं लग रही। यार मैंने इन लोगों की कौन सी भैंस चुराई है, ज़रा मुझे भी तो बता। हाँ चल छोड़ ना, इन्होंने मुझे कॉल्स पे कॉल्स करी जानी है। तू टाइम पर आ जाती, तुझे क्या मसला था? नहीं तू अभी कहीं नहीं जा सकती, मैं अभी तो आई हूँ यार, अब तो बात करनी है हमने। यार तू ना एक काम कर, मेरे पास इस्लामाबाद आ जा। बिल्कुल, छत पर मुझे जाने नहीं देते, 10 बंदा पीछे आ जाता। इस्लामाबाद तो आएंगे ना, रक्षे पे छोड़ने आएंगे बल्कि, है ना। मतलब तू क्या करेगी? दिन तो मैं यूनिवर्सिटी में गुजार लूँगी, एक्स्ट्रा क्लासेस ले लूँगी, पर शाम को क्या करूँगी यार। यार तू एक काम कर, तू ना हॉस्टल शिफ्ट हो जा। देख ये तो आइडिया आते हैं मुझे तुझसे अलीना, छोड़ दे फोन, हॉस्टल शिफ्ट हो जाती हूँ, ये हो सकता है, ये किया जा सकता है। तो कितनी खुशकिस्मत है ना यार, तू हॉस्टल शिफ्ट हो सकती है, मैं कहाँ जाऊँ? इन्होंने मुझे कॉल्स पे कॉल्स करते जाना है, अब मुझे जाना चाहिए। यार रुक जाना, अभी तो मुझे ऑक्सीजन आई है मसा मसा। मैं तुझे ड्रॉप कर दूँ? दफा। अच्छा चल, मैं चलती हूँ, तो सामान आने की कोशिश करें, ठीक है? और तू हॉस्टल शिफ्ट हो जा, सबसे अच्छा आइडिया। चल ओके बाय। ठंडी ठार। मटन कढ़ाई, तवा कीमा, तली हुई मछली, टकाटक, बोंग पाए, निहारी, इधर साथ वाले चौक से मिलते हैं सारी चीजें। अब बता भूख लग रही है कि नहीं? वहाँ थोड़ी सी लग रही है, लेकिन ज़रा परेशान होगी ना अगर हम चले गए तो। हाँ वो
उधर इधर उधर हुए तो बच्ची के लिए मसला बाल जाएगा। हाँ साहब, ये साथ वाले चौक से मिलते हैं, 2 मिनट लगने हैं रक्षे के। ओहो, पैदल कितने मिनट लगते हैं? बाजी कोई 6 मिनट लग जाएंगे। ना करें खान साहब, पैदल थक जाएगा सलीम। नहीं बुजुर्ग, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, क्या क्या मिलता है उधर से? मटन कढ़ाई, तवा कीमा, तली हुई मछली, टकाटक, बोंग पाए, निहारी। अच्छा, वाह 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 वाह। ले मेरा पुत्र, ये पकड़ 200, और वो जो मछली वाला है ना, उससे 100 रुपए के पकौड़े और 3 नान ले आओ। जाओ जी खान साहब। और गल सुन, वो जो तवा कीमे वाला है ना, हाँ जी, उसे मेरा सलाम कह रहा। वालेकुम सलाम। अच्छा बात सुन, कुछ नहीं, जल्दी आई। और उसे कह रहा छोटे तिलों वाले नान दे, यानी मटन के। जोरी कहाँ पे? वहां बैठे हूं मैं। Today, I will present you my firsts. Jab bhi main. Hello. Good. आप आज परफॉर्म कर रही हैं? जी. आप परफॉर्म कर रही हैं आज? क्योंकि कह रही हूँ तो आई डोंट वांट टू मिस। नहीं नहीं, मैं परफॉर्म नहीं करती, आपको गलतफहमी हुई है। रियली? इतनी बुरी मेमोरी तो नहीं हो सकती मेरी। अच्छा, अगर इतनी अच्छी मेमोरी है तो कुरान हिफ्ज़ कर। देखा। सही पहचाना मैंने आपको। भाई इधर हूँ, बिल ला दे। आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे बहुत पसंद है। And this is a very good platform as well, you know, for you to perform. Kabir, by the way. अब तुम्हारा नाम कबीर हो या शबीर हो, मैंने पूछा है? भाई इधर, जिंदा हूँ। Actually मैंने आपका पहली आपकी परफॉर्मेंस मैंने इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में देखी थी। And I just love your wit and your, you know, timing और आपका वैसे जो कर रहे हो बहुत बहुत पुराना है, तो हमारे माँ बाप के जमाने का था, शायद उनसे भी पहले का था। आई थिंक क्या कर रहा हूँ? ये जो तुम कर रहे हो, एक लड़की को देखा है कैफे में, वो बैठी हुई है, जाके उसे कहा आई थिंक आई हैव सीन यू समवेयर इस्लामाबाद। नहीं, हाँ हाँ हाँ, और फिर तारीफें। चलो यार, कुछ ओरिजिनल कर सकते हो तुम, मुझे लग रहा है कुछ ओरिजिनल, राइट? कुछ क्रिएटिव, नहीं कुछ नया ला, पका मत। Creative girl.
सलीम सोच के बता, आज से पहले कब तूने पूरा दिन घर से बाहर गुजारा था? मेरा ख्याल है आज जितनी मेहनतें कर ली है ना मेरे पुत्र ने जी, अब ये पूरा एक हफ्ता आराम करेगा। अब्बा जी आपने भी वैसे सारी जिंदगी बातें की हैं। ओ काका बातों का ही कमा के आप लोगों को जवान किया है। हाँ जी, चाह पापे खिला खिला के बच्चों को जवान कर दिया। मिस्टर खान साहब, सारी दुनिया माशाल्लाह आपकी इज्जत करती है सिवाय आपकी अपनी औलाद के। राजू खान जी। खान साहब, औलाद मेरी आजमाइश है और मुझे तो रब ने चार आजमाइशों में डाला। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम ऑन स्टेज द वन द ओनली रामा। हाँ भाई, फिर आ गए हो यार, बड़े टीट हो। अच्छा वैसे तुम लोगों को क्या लगता है, मुझे शौक है कॉमेडी का? नहीं यार, मजबूरी है। मसला ये था कि भाई को चाहिए था नया फ़ोन। एक तो ये मोबाइल कंपनी वाले ना कमबख्त हर दो तीन महीने बाद नया मॉडल निकाल देते हैं, और भाई को हो जाता है कॉम्प्लेक्स मिडिल क्लास जो हुआ। और मुझे नफरत है उन लोगों से जो शीशे में सेल्फी लेते हैं जिसमें उनकी शक्ल कम नज़र आती है और मोबाइल का लोगो ज़्यादा नज़र आता है, और डिप्रेशन हो जाता है मुझ जैसे लोगों को। तो ये बताओ तुम में से कौन है ऐसा जो ऐसे सेल्फी लेता है? अरे सालो, और तुम लोगों की वजह से मैं यहाँ ख्वार हो रहा हूँ। क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।